यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ। तो ये गाना आप उनको डेडिकेट करो जो लोग आपकी लाइफ में तो हैं लेकिन आपने कभी नहीं सुना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। ये दोनों इंडियन टीवी एक्ट्रेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं मल्लिका सिंह और जेनिफर के बारे में। की स्टोरी में हम बताएंगे कि कौन नंबर वन पर है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो करते स्टार्ट। तो ये गाना आप उनको डेडिकेट करो जो लोग आपकी लाइफ में तो हैं लेकिन आपने कभी नहीं सुना। 15 सितंबर 2000 को जम्मू कश्मीर में एक क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर मल्लिका सिंह के नाम से फेमस हो रही है। वक्त की कैद में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली में इनकी माँ है। जब ये 4 साल की थी तब इनके पापा का देहांत हो गया था। मल्लिका की माँ मल्लिका को एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी। पापा के गुजर जाने के बाद इनकी माँ मल्लिका को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गयी। मल्लिका अपनी माँ के साथ नाना नानी के घर रहती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट की है। यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग से करियर के बारे में। जब मल्लिका 10th क्लास में थी तब इन्होंने टीवी शो राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन दिया था। और अभी मल्लिका अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। छोटी सी उम्र में मल्लिका ने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। इनकी माँ इन्हें ऑडिशन दिलाने ले जाती थी। साल 2017 में इन्होंने स्टार भारत टीवी शो राधा कृष्ण का ऑडिशन दिया था। हाउ डू यू इट्स वेरी लुक लाइफ इज वेरी सिंपल वी कॉम्प्लिकेटेड ओके। मल्लिका सिंह इस ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गईं। मल्लिका ने अपने टीवी शो डेब्यू राधा कृष्ण शो से किया। इस शो से इन्हें टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पहचान मिल चुकी थी और साथ ही मल्लिका को सुपर नच बलिए में भी काम करने का मौका मिल गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्लिका और जेनिफर के रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों इंटरनेट सर्च के अनुसार मल्लिका का सुमित के साथ रिलेशनशिप में है। दोस्तों जेनिफर ने 9 अप्रैल 2012 को करण सिंह रोवर्स से लव मैरिज की, लेकिन ये 2 साल बाद अपने हस्बैंड से अलग हो गईं। दोस्तों इनका डिवोर्स हो गया। प्रेजेंट टाइम में ये सिंगल है, ओनली अपने कैरियर पर फोकस कर रही है। यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक दोनों ही नंबर वन पर हैं। दोस्तों आप लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, आप लोग इनके फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जूरी गोज टू द ट्रूली वक्त की कर।